क्या तुमको पता है कि भाई इंडिया के अंदर एक और टीवी चैनल आने वाला है जिसपे हम फ्री में हिंदी डब एनिमे देख सकते हैं, और जियो सिनेमा पे भाई कितने सारे एनिमे अभी तक आ चुके हैं। और भाई यही नहीं, कोड गियास के सीजन 2 से रिलेटेड भी अपडेट है, और भाई डेड नोट का हिंदी डब कब आने वाला है उससे रिलेटेड भी अपडेट है। तो स्वागत करता हूँ यार तुम लोगों का एनिमे अपडेट और न्यूज की इस सीरीज के अंदर एनिमे पत्रिका में। इस सीरीज के अंदर भाई मैं तुम्हें एनिमे से रिलेटेड न्यूज बताता हूँ, हिंदी डब से रिलेटेड न्यूज बताता हूँ, वो भी बिगड़ टाइम बर्बाद करे। तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, पहली खबर की और चलते हैं। सबसे पहली जो खबर निकल के आ रही भाई वो निकल के आ रही रेंट आ गर्लफ्रेंड की तरफ से। जैसा कि हम सबको पता है इसका सीजन 3 अवेलेबल था क्रंच रोल के हिंदी डब में, लेकिन बच्चों को जो सीजन 1 था वो सीजन 2 था वो अवेलेबल नहीं था। अब फाइनली भाई वो भी हिंदी डब में आ चुका है, लेकिन क्रंच रोल पे नहीं, Amazon Prime पे इंडियन टाइम्स पे तुम्हें भाई इसका निरप देखने को मिल जाएगा सीजन 1 का और सीजन 2 का। इस पर भाई मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तुम चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की हम बात करें तो वो आ रहा है भाई कोड गियास के सीजन 2 की तरफ से। तुम लोग मुझसे काफी टाइम से पूछ रहे थे भाई इसका सीजन 2 का हिंदी डब कब आएगा, तो भाई इससे रिलेटेड एक अपडेट है। जो लेलुश का जो वॉइस आर्टिस्ट है उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली है, उसकी हम डिटेल में जाके देखते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा कि भाई सीजन 2 का मुझे नहीं पता। मतलब जो लेलुश का वॉइस आर्टिस्ट है उसको भी नहीं पता, मतलब इसका सीजन 2 अभी तो नहीं आने वाला, आएगा लेकिन कुछ टाइम लगेगा। अगली खबर की हम बात करें तो वो निकल के आ रही है हंकाई लाइफ की तरफ से। अभी तक तुम मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या ही कर रहा हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट न्यूज की हम बात करें तो वो आती है भाई जियो सिनेमा की तरफ से। जैसा कि हम सबको पता है जियो सिनेमा में भी कूद पड़ा भाई एनिमे के रेस में, लेकिन सोचने वाली बात ये आती है कि भाई जियो सिनेमा पे अभी तक कितने सारे एनिमे आ चुके हैं, लिस्ट क्या है। तो मैं स्क्रीन पर भाई पूरे एनिमे के नाम दिख रहा होंगे। देखो इसमें से अभी तक एक भी हिंदी डब एनिमे नहीं आया, लेकिन आने वाले हिंदी डब, ये नहीं बोल रहा कि कंफर्म डेट तो नहीं पता, लेकिन हिंदी डब आएगा। यार अब हम बात करने वाले हैं भाई पोकेमोन के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है पोकेमोन की एक्स वाई जेड सीरीज वो आ रही थी हंगामा पे, लेकिन अब भाई है ना पोकेमोन होराइजन भी तुम्हें देखने को मिलने वाला है। ये तुम्हें देखने को मिलने वाला है भाई 25 तारीख को सुबह 9:30 बजे हंगामा पे। मुझे काफी ज्यादा इंतजार है, इस पर एक डिटेल वीडियो भी आने वाली है, इस वीडियो को देख ली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जो अगली खबर निकल के आ रही है भाई वो निकल के आ रही है डेड नोट की तरफ से। देखो अभी है ना जी कैफे ने एक एनिमे अनाउंस करा है, हिंदी डब में अनाउंस नहीं करा है, ये अभी आ रहा है, लेकिन अपडेट ये निकल के आ रही है कि इस एनिमे के बाद है ना भाई आपको डेड नोट देखने को मिलने वाला, वो भी हिंदी डब पे जी कैफे में। डबिंग से ज्यादा उम्मीद मत रखना। अगली अपडेट की हम बात करें तो भाई वो निकल के आ रही है नेटफ्लिक्स की तरफ से। नेटफ्लिक्स पे एक नया हिंदी डब एनिमे आने वाला है, एनिमे का नाम पूरा स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जो मैंने तुम्हें डेड नोट की जो अपडेट दी ना भाई वो लीक्स है, मतलब वो कंफर्म नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, लीक्स आए थे इस वजह से मैंने तुम्हें बता दिया है। अगली खबर की हम बात करें तो भाई वो आ रही है टाटा स्काई की तरफ से। जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्ट में बताया था कि एक टीवी चैनल आने वाला है जो एनिमे पे आएगा, तो भाई एयरटेल के एनिमे भूत को देख के भाई टाटा स्काई वालों ने सोचा कि वो भी एक एनिमे चैनल लाने वाले हैं इंडिया के अंदर। उसकी टेस्टिंग चल रही थी, तुम स्क्रीन पे देख सकते हो भाई, अभी नहीं आने वाला लेकिन फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भाई मेरे पास हिंदी से रिलेटेड जितने भी अपडेट थे जितने भी लीक्स थे वो इस वीडियो के अंदर मैंने कवर कर दिए। तो होपफुली वीडियो बनाए थे, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एनिमे देखने तो इस वीडियो के अंदर भाई मैंने 60 से 70 एनिमे कवर करें, चेकआउट कर सकते हो।